नमस्कार दोस्तों एनालॉग कम्युनिकेशन लेक्चर सीरीज़ में आप सबका बहुत स्वागत है इस वीडियो में हम आपको आरसी सर्किट्स के थर्मल नोइज़ को इन डिटेल डिस्कस करेंगे तो आरसी सर्किट्स का आउटपुट नोइज़ वोल्टेज कितना होगा या उसका आउटपुट नॉइज़ वोल्टेज कितना होगा वो भी आपको इन डिटेल डिस्कस कराएंगे तो यहाँ पर एक सर्किट दे रखा है आर और सी इस सर्किट्स में पैरेलल हैं इसी की वजह से इस सर्किट्स को हम आर सी सर्किट कहते हैं लेकिन इस सर्किट्स में जब हम निक्विस्ट थ्योरम या थेवनिन मॉडल यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली हमारा एक नॉइज़ वोल्टेज भी डेवलप होगा ड्यू टू तो दिस नॉइज़ रेजिस्टेंस उसको हमने रिप्रेजेंट कर लिया वी एन आई ऑफ टी यानी इनपुट नॉइज़ वोल्टेज ड्यू टू दिस नॉइज़ रेजिस्टेंस इसके साथ ये रेजिस्टेंस सीरीज़ में होगा और यहाँ जो कैपेसिटर है इसके अक्रॉस हमें आउटपुट नॉइज़ वोल्टेज पता करना है और आउटपुट नॉइज पावर भी पता करना है तो यहाँ पे जो इनपुट नॉइज़ वोल्टेज है उसकी वजह से इस नॉइज़ रेजिस्टेंस की वजह से जो इनपुट नॉइज़ पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी होगा वो एस एन ओफ आई ओमेगा से रिप्रेजेंट किया गया है राइट और ये जो है ये ऑलरेडी हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं इसकी वैल्यू क्या होगी इसकी वैल्यू होगी बच्चों टू के टी आर राइट ये ऑलरेडी मैं कवर करा चुका हूँ तो जो इनपुट नॉइज़ पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है ड्यू टू दिस नॉइज रजिस्टर वो आपकी ये वैल्यू होगी अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अब की बार जो लीनियर सिस्टम है वो आर और सी से बना हुआ है तो क़ायदे से इस लीनियर सिस्टम का हमें ट्रांसफ़र फंक्शन भी पता करना है दैट इज़ एच ऑफ ओमेगा तो एच ऑफ ओमेगा क्या होगा ट्रांसफ़र फंक्शन होता है आउटपुट अपॉन इनपुट तो सी के अक्रोस जो वोल्टेज है वो आपकी आउटपुट नॉइज वोल्टेज होगी ये आपका इनपुट नॉइज सोर्स है तो कुछ ड्रॉप यहाँ होगा कुछ ड्रॉप यहाँ होगा दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्ट हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ का जो रिएक्टेंस है वो कितना होगा दिस इज़ सी को हम वन अपॉन सी एस इन लाप्लास ट्रांसफॉर्म रिप्लेस कर देते हैं तो वहाँ जो एस है बच्चों उसको आप जे ओमेगा रख लीजिए तो ये बन जाएगा सी का जो रिएक्टेंस है दिस इज़ वन अपॉन जे ओमेगा सी डिवाइडेड बाई टोटल इम्पीडेंस ऑफ दिस सर्किट वो बनेगा आर प्लस वन अपॉन जे ओमेगा सी आर प्लस वन अपॉन जे ओमेगा सी अब इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो जे ओमेगा सी जे ओमेगा सी कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा वन अपॉन वन प्लस जे ओमेगा आर सी ये वैल्यू आपको पता लग गई है लेकिन आगे चल के हम एक फार्मूले में जो एच ऑफ ओमेगा है इसके मॉडुलस का स्क्वायर पुट करेंगे तो यानी इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना पड़ेगा उसको लेके डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स टर्म्स हैं उसको रियल टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा यानी इसको हम रैशनलाइज करेंगे वन प्लस जे समथिंग है तो वन माइनस जे समथिंग से मल्टीप्लाई करेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा वन माइनस जे ओमेगा आर सी डिवाइडेड बाय वन माइनस जे ओमेगा मल्टीप्लाई किया से कर दिया, तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अब यहाँ पे आप एच ऑफ ओमेगा लिख सकते होगा डिवाइडेड बाई ये देखिए ये वन प्लस जे समिंग है वन माइनस जे समिंग है ये बन गया ए प्लस बी ए माइनस बी तो ये बनेगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बट यहाँ पे वन तो ठीक है वन का वन से होगा पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव साइन होगा बट जे स्क्वेयर आपका माइनस वन होता है तो ओवरऑल ये पॉजिटिव हो जाएगा ओमेगा आर सी का होल स्क्र ओमेगा आर सी इसका होल स्क्वेयर ये वैल्यू आपको पता लग चुकी है अब आप क्या करोगे इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे राइट और इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा ऊपर कॉम्प्लेक्स टर्म्स है नीचे रियल टर्म्स है रियल टर्म्स एज इट इज रहेंगी और कॉम्प्लेक्स टर्म्स जो हैं वो ए स्क्यर प्लस बी स्क्र अंडर दी रूट हो जाएंगी तो एच ऑफ ओमेगा जो है बच्चों इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा रियल पार्ट का स्क्वायर, यानी वन का स्क्वेयर वन प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वेयर सो दिस वुड बी इक्वल टू ओमेगा आर सी इसका होल स्क्वेयर एंड अंडर दी रूट और नीचे क्योंकि नंबर आपका रियल था तो रियल नंबर बच्चे हमेशा एज इट इज रहता है तो ओमेगा आर सी होल स्क्वायर अब इसमें थोड़ा सा अगर ट्रिक जाने तो वन प्लस ओमेगा आर सी होल स्क्वायर इसको मैं अंडर द रूट वन प्लस ओमेगा आर सी होल स्क्वायर दो बार लिख सकता हूँ या जिससे एक रूट से एक रूट कैंसिल होगा और ये पूरा एक्सप्रेशन सिंप्लीफाइड हो जाएगा तो ये देख लीजिए वन प्लस ओमेगा आर सी होल स्क्वेयर अंडर द रूट है नीचे रूट नहीं है तो दो बार सेम टर्म्स रूट्स में लिखें तो वो एज एट इज बनेगा तो ये बनेगा वन प्लस ओमेगा आर सी होल स्क्वेयर अंडर द रूट अगेन मल्टीप्लाइड विद सेम टर्म्स सो दिस इज वन प्लस ओमेगा आर सी का होल स्क्वेयर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे डिनोमिनेटर एज एट इज रहेगा तो यहाँ से हमने क्या किया एक टर्म से एक टर्म्स कैंसिल हो गई और यहाँ आपका एक्चुअल में जो एच ऑफ ओमेगा मोडुलस है यानी जो एक्चुअल मैग्नीट्यूड्स है वो आपको पता लग गया दैट इज वन अपॉन अंडर द रूट वन प्लस ओमेगा आर सी होल स्क्वेयर राइट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अब आगे चल के हमें इसका भी होल स्क्र करना पड़ेगा क्योंकि जो फार्मूला है उसमें जो ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड है उसके होल स्क्वेयर की रिक्वायरमेंट होगी तो अब हम इसका एच ऑफ ओमेगा निकालेंगे और इसके मॉडुलस का अगर स्क्वेयर करेंगे तो ये टर्म बनेगी वन अपॉन वन प्लस ओमेगा आर सी होल स्क्वेयर आगे चल के फार्मूले में ये जो टर्म है ये बहुत ज़्यादा यूज होगी तो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट रिलेशन यहाँ तक सक्सेसफुली हम जो ट्रांसफ़र फंक्शन के मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर्स है वो भी निकाल चुके हैं और जो इनपुट नॉइज़ पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है वो भी निकाल चुके हैं इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आगे क्या होगा आगे हमें पता करना है कि हमारा जो आउटपुट है उस पे पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी कितना होगा तो उसका फार्मूला प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था एस एन ओ ओमेगा दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू एच ऑफ़ ओमेगा मोडुलस का स्क्वायर मल्टीप्लाई विद एस एन आई ओफ ओमेगा यानी इनपुट पे नॉइज़ पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी अगर ट्रांसफर फंक्शन के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो आप आउटपुट पे नॉइज़ पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी निकाल सकते हो और इसके बेसिस पे अब आप एस ओफ एन ओ ओमेगा निकाल सकते हो ये वैल्यू आ चुकी है वन प्लस वन डिवाइड बाई वन प्लस ओमेगा सी आर होल स्क्वेयर और जो इनपुट नॉइज पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हम ले चुके हैं इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए ये, ये बनेगा आपका टू के टी आर और आगे बनेगा दिस इज डिवाइडेड बाई वन प्लस ओमेगा आर सी इसका होल स्क्वेयर राइट ये वैल्यू भी इंपॉर्टेंट वैल्यू है ये हम निकाल चुके हैं राइट right? अब इसके बाद मुझे आउटपुट पावर पता करनी है इस कैपेसिटर्स के अक्रोस आउटपुट नॉइज पावर कितना होगा उसका फार्मूला मैं प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन कर चुका हूं इट वुड बी इक्वल टू वन अपॉन टू पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी और ये बनेगा आउटपुट नॉइज पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू डी ओमेगा राइट ये वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है तो इस वैल्यू को बच्चों आप यहाँ पुट कर दीजिए और अगर नॉइज पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी इवन नेचर की है तो यहाँ से आप छोटा सा प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो कि अगर आप ज़ीरो से इन्फिनीटी लिमिट्स पुट करोगे तो यहाँ टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि जो आपके थर्मल नॉइज़ है वो इवन नेचर का होता है तो ये बनेगा वन अपॉन टू पाई मल्टीप्लाई टू इंटू ज़ीरो टू इन्फिनिटी एस ओ एन ओ ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू डी ओमेगा टू से बच्चों टू कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से जो आउटपुट पावर नॉइज़ है वन अपॉन पाई इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी इसकी वैल्यू ये है यहाँ पुट कर दीजिए दिस इज़ टू के टी आर डिवाइडेड बाई वन प्लस ओमेगा स्क्वेयर आर स्क्वेयर सी स्क्वेयर डी ओमेगा राइट अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं टू के टी आर तो कॉन्स्टेंट है क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा ही इंटीग्रेट करना है हमें इस वैल्यू को आप बाहर निकाल लीजिए दिस इज टू के टी आर डिवाइडेड बाय पाई राइट और जो बाकी बचा वो क्या बचेगा ज़ीरो टू इन्फिनिटी दिस इज़ वन अपॉन वन प्लस ओमेगा स्क्र आर स्क्र सी स्क्र विद रेस्पेक्ट टू डी ओमेगा यहाँ से एक फार्मूला यूज़ करेंगे ये फार्मूला बहुत ज़रूरी है अगर आपका इंटीग्रेशन कुछ ऐसा है वन अपॉन ए स्क्र प्लस एक्स स्क्वेयर विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स तो इसका इंटीग्रेशन सॉल्यूशन बनेगा वन अपॉन ए टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए राइट और यहां आप अपने लिमिट्स पुट कर सकते हो ठीक है तो यहां पे ए स्क्र प्लस एक्स स्क्वेयर बनाने के लिए विद रिस्पेक्ट टू डी है तो यानी ओमेगा स्क्वायर एज इट इज यहां पे आर स्क्वेयर सी स्क्वेयर से आप इसको डिवाइड कर दीजिए नोमिनेटर्स को भी और डिनोमिनेटर्स को भी तो ये फॉर्म बन जाएगी जिससे ये हो जाएगा टू के टी आर डिवाइडेड बाय पाई और ऊपर आप करेंगे वन अपॉन आर स्क्वेयर सी स्क्वेयर जो कि डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा दिस इज आर स्क्वेयर सी स्क्वेयर अब नीचे भी आपको यही यूज़ करना पड़ेगा जीरो टू इन्फिनिटी वन अपॉन दिस इज़ वन अपॉन आर स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस यहाँ इन दोनों से ये कैंसिल हो जाएगा सो दिस इज़ ओमेगा स्क्यर विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा तो मैंने यहाँ पर नोमिनेटर को और डिनोमिनेटर दोनों को आर स्क्वेयर सी स्क्वेयर से डिवाइड कर दिया जिससे ये स्टैंडर्ड फॉम्स मेरी बन चुकी है और इसके बाद अब हम सिंपल फार्मूला पुट कर देंगे दिस इज़ टू के टी आर डिवाइडेड बाई पाई

तो यहाँ से बच्चों टू से मेरा टू कैंसिल पाई से मेरा पाई कैंसिल जो आपकी आउटपुट नोइज़ पावर है वो आ गई के टी अपॉन सी दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट कई बार आर सी सर्किट्स आपको दे दिया जाएगा और उसकी आउटपुट नोइज़ पावर आपसे पूछ ली जाएगी तो ये काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कई बार एग्ज़ाम में आ जाता है इसी के साथ अगर वो इंटरेस्टेड है कि आउटपुट नोइज़ वोल्टेज मुझे बताइए तो पावर जो है इसका रूट ले लेंगे तो वो आपकी आउटपुट नॉइज वोल्टेज बन जाएगी या उसको हम आर वैल्यू भी बोलते हैं आर वैल्यू वो क्या बनेगी बच्चों पावर का अंडर द रूट सो दिस इज के टी अपॉन सी एंड अंडर द रूट तो फाइनली हम यहाँ पे आरसी सर्किट्स का आउटपुट नॉइज पावर भी निकाल चुके हैं और आर या आउटपुट नॉइज़ वोल्टेज भी निकाल चुके हैं तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो